दोस्तों अगर आप भी Realme 5, 5i, 5s, 3, 3i, C2, C11, Realme 2 Pro डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं Android 11 के बारे में। और यहाँ पे कई सारे यूजर्स के मन में डाउट है कि यहाँ पे Android 11 इन डिवाइस को देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कम्प्लीट देखिएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी इस वीडियो को देखने के बाद आप जो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन या फिर आपको कुछ क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को मगर आप कम्प्लीट देखिएगा, आई होप वीडियो के एंड तक जो है आपकी जितने भी क्वेरी होंगी वो दूर हो सकती हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमको ऑफिशियल रोड मैप दिख गया है, देखने को मिल गया है, और यहाँ पे रोड मैप में जो है हमको Realme के यहाँ पे कई डिवाइस का नाम जो इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 9 ही देखने को मिलता है, बट फिर भी डिवाइस को जो है यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। और आपको पता होगा रिसेंटली एक डिवाइस और यहाँ पर रिलीज किया गया था जो कि Realme का C11 डिवाइस था, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉयड 10 मिलता है, बट उसको भी जो है इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसे में कई यूजर्स के मन में डाउट है अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, फिलहाल से यहां पे रोड मैप में Realme के यहां पे Realme 5, 5i, 5s, Realme 3, 3i, Realme 2 Pro, Realme C11, C2 का नाम इंक्लूड नहीं है। देखिए सबसे पहले तो Realme C2, Realme 2 Pro के लिए मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे इन दोनों डिवाइस में एंड्रॉयड 11 का अपडेट तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड डिवाइस है। अब यहाँ पे रही बात यहाँ पे Realme 3, 3i, 5, 5i, 5s, C11 के बारे में, तो देखिए यहाँ पे रोड मैप आया हुआ है, रोड मैप में इन डिवाइस का नाम जो इंक्लूड नहीं किया गया है। और यहाँ पे Realme ने डायरेक्टली ये भी नहीं कहा कि इन डिवाइस को हम अपडेट नहीं देंगे। अब देखिए एक बात और है यहाँ पे, देखिए अभी फिलहाल जो है एंड्रॉयड 11 का जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे किसी भी डिवाइस के लिए रोल आउट नहीं किया गया है, ठीक है। चाहे X50 Pro क्यों ना हो उसके लिए भी जो है अभी एंड्रॉयड 11 का जो स्टेबल अपडेट है, बीटा टेस्टिंग तो स्टार्ट हो गई है बट स्टेबल अपडेट रोल आउट नहीं किया गया है। अब देखिए इसका कहने का मेरा पर्पस क्या है, देखिए क्या है एंड्रॉयड यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का जो रोड मैप आया हुआ है, Realme UI 2.0 का जो रोड मैप आया हुआ है, उसमें जितनी भी डिवाइस आई हुई है, ठीक है, उस डिवाइस में आपको पता होगा जितनी डिवाइस यहाँ पे आई हुई है, अभी यहाँ पे हमको इन फ्यूचर Realme के और जो डिवाइस यहाँ पे रिलीज होने वाली है वो देखने को मिलने वाला है, जैसे Realme 7 आई। अब आपको पता है Realme 7i का नाम भी जो है यहाँ पे Realme के रोड मैप में इंक्लूड नहीं किया गया है, अभी तो ये लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, लेटेस्ट डिवाइस है, बट लेटेस्ट डिवाइस में भी हमको आउट ऑफ द बॉक्स जो है एंड्रॉयड 10 ही मिलेगा, तो उसका नाम भी इंक्लूड नहीं है। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो डिवाइस अभी फिलहाल के लिए जो प्रीवियस अपडेट की जो डिवाइस है, मतलब जो यहाँ पे ओल्ड डिवाइस है, और जो ओल्ड डिवाइस का नाम अगर रोड मैप में नहीं है तो फिलहाल से उनको तो नहीं मिलेगा अपडेट। और यहाँ पे अगर इन फ्यूचर अपडेट नहीं भी मिलता है तो कुछ हो सकता है फीचर से जो है देखने को मिल जाए, फिलहाल से रोड मैप में ऐड नहीं किया है और डायरेक्टली Realme ने भी जो है मना नहीं किया है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अपकमिंग में भी Realme की कई सारी डिवाइस आने वाली है, अभी फिलहाल जब तक की स्टेबल अपडेट रोल आउट नहीं होता है, और यहाँ पे इन फ्यूचर Realme की जितनी भी डिवाइस यहाँ पे रोल आउट किए जाएंगे सब जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 10 ही मिलेगा, क्योंकि स्टेबल वर्जन अभी तक रोल आउट नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस दो महीने के अंदर, आने वाले दो महीने के अंदर जितनी भी डिवाइस आएगी वो एंड्रॉयड 10 बेस्ड होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे वो जितनी भी डिवाइस आएंगी उनका नाम भी जो है रोड मैप में इंक्लूड नहीं होगा, ये आप समझ सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर Realme 7i आने वाला है, 7i का नाम रोड मैप में नहीं है, बट आपको पता है लेटेस्ट डिवाइस है उसको भी जो है एंड्रॉयड 11 मिलेगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है क्या पता Realme इन फ्यूचर रोड मैप का सेकंड पार्ट भी जो है रोल आउट करे, ये हो सकता है Realme की तरफ से, बट फिर भी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। और यहाँ पे इस Realme से जब भी हम ट्विटर पर जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी उसमें मैंने यहाँ पे ऑफिशियली Realme से ये पूछने की कोशिश की थी कि अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे Realme ने जो है डायरेक्ट मना नहीं किया था, और वहाँ पे Realme ने डायरेक्टली मना नहीं किया था, Realme ने ये कहा था हमारी कम्युनिटी के साथ आप बने रहिए, जो अपडेट के थ्रू मैसेज आएगा हम आप तक जो है शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर Realme ने डायरेक्टली इस चीज़ को मना नहीं किया, बट रोड मैप के हिसाब से अगर आप देखें तो रोड मैप के हिसाब से अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है जब तक कि Realme इस चीज़ को साफ साफ जो है कमिटमेंट ना कर दे कि हम जो है Realme 5, 5i, 5s, 3, 3i को हम यहाँ पे Android 11 का जो अपडेट नहीं देंगे। तो ये Realme की तरफ से जब ऑफिशियली कमिटमेंट आएगी तभी
को हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से कि यहाँ पे जो ओल्ड डिवाइस है उनको अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपकी जितने भी क्वेरी है वो दूर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।